हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में बताएंगे क्लास दसवीं छात्रों के लिए हिंदी का जीवन परिचय। देखिए, इस जीवन परिचय में लाए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें पूरा अच्छे से समझाएंगे और आपको याद करने का भी अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा। अंत तक बस इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, जीवन परिचय में मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है, उसको अगर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर एक दो पॉइंट छोड़ भी देंगे और ये असली पॉइंट अच्छे से लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो वही वीडियो में खासियत को बताएंगे, अंत तक बस देखते रहिए। यहाँ पर साहित्यिक जीवन परिचय और यहाँ पर कृतियां भी बताएं, उनके सभी कुछ इसमें अच्छे से जो भी उनके इम्पोर्टेंट रखता है मायने जीवन परिचय में, इन सभी को अच्छे से इसमें हम बताने वाला। बस इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए, सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे तो हेडिंग लगाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी और यहाँ पर जीवन परिचय। आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम जीवन परिचय क्या क्या याद करेंगे, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी और तेजस्वी प्रतिभा के संपन्न राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी और तेजस्वी प्रतिभा के संपन्न राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। सामान्य कृषक परिवार में जन्म राम वृक्ष बेनीपुरी के हृदय में देश प्रेम की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान थी। मतलब सामान्य कृषक मतलब कृषि के कार्य करते थे, जो कि वह कृषि के जो कार्य करते उन परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि हृदय में इनके देश प्रेम की भावना प्रारंभ से ही विद्यमान थी, मतलब बनी हुई थी। अब इसके बाद देखिए, सन 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। मतलब जिसमें सहयोग नहीं मिलता था उसमें सहयोग करने के लिए इनकी हिम्मत बढ़ी, तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अतः उनका शिक्षा का क्रम भंग हो गया। जब उसमें जुड़ गए असहयोग आंदोलन में, तो उनका शिक्षा का जो क्रम था वो क्या हो गया, भंग हो गया, यानी कि टूट गया। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद है परीक्षा उत्तीर्ण की। कौन सी परीक्षा? विशारद परीक्षा क्या किए, उत्तीर्ण किए। इसके बाद देखिए, बेनीपुरी स्वतंत्रता के दीवाने थे। मतलब जो बेनीपुरी है स्वतंत्रता के क्या थे, दीवाने थे। वो नहीं चाहते थे कि हम किसी के गुलाम बने। अब देखिए, पत्र पत्रिकाओं में लिखकर और स्वयं उनका संपादन करके देशवासियों से देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के आरोप में उन्हें अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी, ठीक है। क्या क्या करना पड़ा, उन्हें जेल की यात्रा भी करना पड़ा है, ठीक है। वे आजीवन साहित्य साधना में व्यस्त रहे और सन 1968 ईस्वी में इस संसार को, यानी इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए, यानी कि इस संसार से विदा हो गए, ठीक है। अब इसके इनके क्या क्या मुख्य फेमस जो है प्रसिद्ध साहित्यिक सेवाएं हैं, साहित्य में क्या योगदान सेवा किए हैं उनको देखेंगे। देखिए, साहित्यिक सेवाएं, बेनीपुरी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व में उत्कर्ष, देशभक्ति, मौलिक साहित्य प्रतिभा अथक समाज सेवा की भावना और चरित्र पावनता का अद्भुत समन्वय था, ठीक है। उन्होंने 8-10 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अनेक नाटकों, निबंधों, कहानियों, रेखाचित्रों आदि की रचना करके उन्होंने हिंदी साहित्य के भंडार किए। मतलब बहुत सारे उन्होंने नाम कमाए, ठीक है। उनकी कृतियां पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए उनकी कृतियां क्या क्या थी। तो देखिए, यहाँ पर बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न बेनीपुरी की प्रमुख कृतियां हैं। देखिए, सबसे पहली है निबंध और रेखाचित्र। निबंध और रेखाचित्र में कौन कौन सी है, गेहूं और गुलाब। दूसरा है माटी की सूरत। तीसरा है लाल तारा। और चौथा है वंदे वाणी विनायको काओ, ठीक है। और दूसरा नंबर जो है, ये पहला था निबंध और रेखाचित्र। दूसरा है संसमरण, जिसमें जंजीरे और दीवारें आदि, ऐसे ऐसी बहुत सारी है। और आपको दिखाता हूं, तो यहां से देखिए,
यहाँ पर देखिए, जैसे कि नाटक था तीसरा नंबर, नाटक में जैसे उनका था सीता की माँ, ये उनका नाटक है। दूसरा है अम्बपाली आदि, ऐसे ऐसे बहुत सारे उनका नाटक है, ठीक है। और चार नंबर था उपन्यास और कहानी। उपन्यास और कहानी में जैसे कि पतितों के देश में और चीता के फूल, ऐसे ऐसे बहुत सारे उनका उपन्यास और कहानी है आदि है, ठीक है ना। जैसे फाइव नंबर जीवनी, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण आदि, ऐसे ऐसे उनकी जीवनी भी है, ठीक है। उनका जो शैली है वो हिंदी भाषा है, और इतना ही बोर्ड एग्जाम में काफी है उनका, उनके बारे में लिखना, जो कि फुल नंबर आपको इससे इतने लिख देते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, और आपकी अच्छी हैंडराइटिंग है, और इस तरीके से जिस तरीके से मैं बताया हूँ इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।